ठीक है जाओ आज या ठिकाणी महापालिकेमध्ये आपण समता फाउंडेशनच्या वतीने शहरातील दिव्यांग बांधवांना घरपोच अन्नधान्याची एक महिन्याची किट उपलब्ध करून देत आहोत. जिल्हा परिषदेच्या ज्योती राठोड मॅडम आहेत, या शहराचे प्रथम नागरिक महापौर साहेब आहेत, मोहन केंद्रे साहेब आहेत आपले समता फाउंडेशनचे. त्यांनी 150 अपंग बांधवांसाठी किट उपलब्ध करून दिलेली आहे. सर्वांना आपण संपर्क केला आहे, त्यांचे पत्ते घेतलेत आणि त्यांच्या घरपोच त्यांना आपण एक महिन्याचं अन्नधान्य आणि किराणा उपलब्ध करून देत आहोत. शहरामध्ये जे स्वस्त धान्य दुकानदार आहेत त्या सर्वांना आपण असे निर्देश दिलेले आहेत, लेखी स्वरूपात दिले जाऊन सांगितले आहे, आणि आपण प्रत्येक दुकानाच्या ठिकाणी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त केलेला आहे. हे प्रत्यक्ष जाऊन सोशल डिस्टन्सिंग, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे सोशल डिस्टन्सिंग, दोन माणसामध्ये 1 मीटरपेक्षा जास्त अंतर ठेवून आपण सर्वांना अन्नधान्य घेण्यासंदर्भात निर्देश दिलेत. तसंच दुकानदारांना आपण हे सांगितलं आहे की तुम्ही लोकांना चिठ्ठ्या द्या, त्या चिठ्ठ्यावर वेळ टाका आणि त्याच वेळेमध्ये बोलवा. जर एका दिवशी 50 लोकांना धान्य वाटप होत असेल तर तुम्ही 50च लोक बोलवा, वेगवेगळ्या वेळी बोलवा, एकाच वेळी दुकानामध्ये गर्दी होऊ देऊ नका. लाभार्थ्यांना आणि जनतेलासुद्धा आवाहन आहे की आपण सोशल डिस्टन्सिंग पाळावं, दिलेल्या वेळेवरच अन्नधान्य घेण्यासाठी यावं. सर्व पात्र लाभार्थ्यांना धान्य मिळेल, कुणीही धान्यापासून वंचित राहणार नाही. सर एक क्वेश्चन असा आहे की जिनके कार्ड अपग्रेड नाही आहे, वैसे बहुत सारे लोग हजारो या जिनके पास कार्ड नाही आहे उनका क्या. शासनाच्या निर्देशानुसार जे पात्र कार्ड धारक आहेत, अंत्योदयचे लाभार्थी आहेत, प्राधान्य कुटुंबाचे लाभार्थी आहेत आणि APL शेतकरी आहेत, या सर्व पात्र लाभधारकांना आपण स्वस्तधान्य दुकानदाराच्या माध्यमातून धान्य वाटप करणार आहोत. आणि नियमित धान्य वितरित झाल्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत तांदूळ हे नियमित धान्य वितरित झाल्यानंतर 1-20 तारखेपासून आपण सुरू करणार आहोत. सर होम डिलिव्हरी आवाहन किया गया था लेकिन अब तक वो हुआ नहीं. आपण अपंग बांधव म्हणजे दिव्यांग बांधव यांना आपण होम डिलिव्हरीच्या माध्यमातून माननीय आयुक्त सरांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेनं यामध्ये खूप मोठी भूमिका बजावली आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून अपंग बांधवांना आपण होम डिलिव्हरी समता फाउंडेशनच्या माध्यमातून होम डिलिव्हरीसुद्धा करीत आहोत. जे घेतले ते घ्या, हात मी राहत हात मी ऐका ना तू. ज्योती राठोड, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेअर ऑफिसर, ZP औरंगाबाद, कमिशनर फिजिकली डिसेबल्ड वेलफेअर
ऑफिस पुणे, इनकी तरफ से जो ऑर्डर आए हैं उनके अनुसार हमें जो मूवमेंट नहीं कर सकते और जो एक्चुअल ये लोग हैं, जो डिमांडिंग लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए हमें नोडल ऑफिसर ने ये किया गया है, नियुक्त किया गया है। और हमारा काम महानगर पालिका क्षेत्र में जो डिसेबल्ड पीपल है या तालुका लेवल के जो डिसेबल्ड पीपल है उनके जो बेसिक नीड्स है, जैसे किराना, हेल्थ किट, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से देना ये हमारा काम है और उनका कंसल्ट करना ये हमारा काम है। अभी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है उनके अनुसार हम रेशन कार्ड जो धारक है उनको रेशन कार्ड रेशन दुकान में से स्वस्थ धान्य दे रहे हैं और जो लोगों के पास रेशन कार्ड नहीं है उनको समता फाउंडेशन जैसे फाउंडेशन की तरफ से हम आह्वान करके उनको रेशन किट दे रहे हैं। आज जो 148 लोगों को हम रेशन किट दे रहे हैं जो समता फाउंडेशन हमें प्रोवाइड कर रही है और उसके माध्यम से हम उनको 15 चीज़ें देने वाले हैं जो महीना भर के लिए उनको उपयुक्त है। मदद के तौर पे कि आप सब समझ के इधर आ जाओ, आपको किराना तो क्यों दे रहे हैं अनाज? ये मदद के तौर पे लोग दिया था कोरोना की वजह से, तो क्या क्लिनिक परेशानी जा रही है हिसाब से दिए थे। कौन दिया है? मापुर साहब की तरफ। कितने लोगों को दिया गया? अभी ये 50 लोग है सब, 50 तो कौन कौन से लोग है? ये हैंडीकैप लोग, दिव्यांग लोग, हाँ, जरूरतमंद है, जिसको मजबूर है, जो करते नहीं, खाते नहीं, चलते आता नहीं, वो लोगों को दिए। तो उसमें क्या क्या है जो दिए तुम? उसमें तेल है, चावल है, घी है, पत्ती है, बस इतनी चीज़ें है सर। ये कितने दिन चलेगा तुमको? ये चलेगा सब, 8-10 दिन का सामान है सर। ठीक है, नाम तुम्हारा? मेरा नाम शकील। घर पे दिया ना? कोरोना वायरस जैसी बीमारी जिसका हम एक सामना कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में हर संस्था, हर कोई व्यक्ति आगे आकर गवर्नमेंट सहित सभी मदद कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हमारे दिव्यांग भाई जिनको समता फाउंडेशन के माध्यम से कुछ अनाज जिसमें 16 चीज़ें हैं जो अत्यावश्यक है, जो इसके लिए खाना पकाने के लिए जो लगती है, डेली यूज़ की जो लगती है, ऐसी 16 चीज़ें समता फाउंडेशन के माध्यम से समता फाउंडेशन के जो कोऑर्डिनेटर है केंद्र साहब के उपस्थिति में शहर के 150 दिव्यांगों को ये वितरित करने का शुभारंभ यहाँ हुआ है। हमारे अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र जी निक्कम साहब है, जिला परिषद के समाज कल्याण अधिकारी है, डिप्टी कलेक्टर किरवले साहब है, सिद्धार्थ जी है, हमारे MH पाडलकर मैडम है, सभी लोग आज दिल को एक तसल्ली मिली है कि जिन दिव्यांग भाइयों को सही इसकी ज़रूरत थी वो ज़रूरत समता फाउंडेशन के माध्यम से आज उनको एक सहकार्य करके हमने उनकी सेवा की है। आज दिव्यांग एक ऐसा घटक है जो कहीं तक पहुंच नहीं सकता और कोई उन तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन 150 दिव्यांगों तक पहुंचने का काम समता फाउंडेशन ने किया है और निश्चित ही समता फाउंडेशन के सभी जिनके माध्यम से ये मदद हुई है, ये सेवा हुई है शहर के मेयर इस नाते से मैं बहुत ही उनका आभारी हूँ। और दिव्यांग भाइयों को निश्चित ही आपके माध्यम से विनती करूँगा, एक चैनल के माध्यम से इनका वितरण होने वाला है। केंद्र साहब है, उनके सभी सहकारी है, निश्चित ही एक योग्य नियोजन करेंगे। हमारे समाज कल्याण के जो अधिकारी मैडम है वो भी इसका नियोजन कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो भी ज़रूरत है इन 16 चीज़ों के माध्यम से पूरी होने जा रही है, इसका एक सेटिस्फेक्शन मुझे हो रहा है। सर, शहर में दिव्यांग लोगों की संख्या तकरीबन 4,000 के करीब है, 150 लोगों को वितरण करके क्या ये पूरा हो जा रहा है? ये देखो, संख्या कितनी है इसके बजाय जिन लोगों तक पहुंच रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस है। आज अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्थाएं भी पहुंच रही है। ये 150 जो जिनको कुछ नहीं मिला
जो आज जिनको जरूरत है इनकी लिस्ट हुई है, और अगर इसमें भी कोई अगर आएंगे तो उसका नियोजन जरूर किया जाएगा, लेकिन आज जिनको सही जरूरत है ऐसी लिस्ट करके इन तक पहुंचाया जरूर। सभी दिव्यांग हमारे लिए एक जैसे हैं, कुछ उसमें से 150 निकालना 1,500-2,000 में से यह हमारा उद्देश्य नहीं है, या किसी को भूखा रखना या किसी की जरूरत है वो पूरी नहीं करना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक ज़रूर, समता फाउंडेशन ने जो उद्देश्य से, जिसको मराठी में कहते हैं सामाजिक बांधिल कितना है, मतलब तो टीका करण्यापेक्षा याच्याकडे आपण सकारात्मक बघा, कोणत्या भावनेने मदत करतात ते बघा। आणि निश्चितच समता फाउंडेशन एक असं फाउंडेशन आहे जे संपूर्ण महाराष्ट्र देशामध्ये अशा प्रकारचे उपक्रम राबवत आहे, आणि निश्चितच त्यांचा हेतू हा क्लियर आहे की दिव्यांगांपर्यंत ज्यांना गरज आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे। जर अजून कोणी दिव्यांग जर खरोखर ज्यांना गरज असेल ते आले तर समता फाउंडेशन केंद्र साहेबांनी सांगितलं, आम्ही त्यांचा निश्चित विचार करू आणि विचार केला जाईल। सभी एनजीओ को तो मैं कहूँगा कि आज जिस तरीके से सर बोलना समता फाउंडेशन ने यह उपक्रम हाथ में लिया है, सभी एनजीओ जो है एक अच्छा है कि ये आदर्श है, एक मॉडल प्लान है, और जिनको ज़रूरत है दिव्यांग भाइयों को सही एक ऐसा घटक है, मैं जैसे कहा कि इनको सही माने ज़रूरत है, और सभी जो एनजीओ है, सभी जो संस्था है, संगठन है, उन्होंने भी समता फाउंडेशन का आदर्श लेकर इस तरीके का उपक्रम अगर हमने शुरू किया तो निश्चित ही हज़ारों की तादाद में उन तक मदद पहुँच सकेंगी, और कोई भी दिव्यांग ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको मदद तो नहीं पहुँचे। थैंक यू। नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।